हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लॉ क्लास। बिहार एसएससी डीवी सिलेक्शन स्टूडेंट जो 23 मई को आंदोलन करने जा रहे हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस आंदोलन को कुछ गलत लोग गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि एक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है 23 मई को होगा उग्र आंदोलन, हमें चाहिए सिर्फ मेरिट। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता साथी जो ये 5 लोग का जो फिगर गया दिया गया है जो आंदोलन के नेतृत्व करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग जो डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनको मेरिट चाहिए। ये उग्र आंदोलन का कोई महत्व ही नहीं है। आयोग के सामने आप क्या उग्र होइएगा? आयोग से सिर्फ रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि जितना जल्द से जल्द संभव हो मेरिट दिया जाए। तो इस 23 मई को होने वाले आंदोलन को कुछ अनसेलेक्टेड कैंडिडेट, जिनको हम लोग पहले फेलवा गैंग कहा करते थे, वो एक्टिव हो गए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ये फोटो को आप ध्यान से गौर करिएगा। नाक से धुआं बिक रहा है, देख रहे हैं, ये नाक से धुआं बिग रहा है। ये हमारे मेरिट का होने वाले आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो समझ लीजिए, इसी स्थिति में तो सभी स्टूडेंट को नैया डूब जाएगी। इसीलिए दोस्तों, सावधान रहकर आंदोलन में भाग लेना है। ऐसा ना हो कि इन लोग कुछ गलत कर दे और उसका प्रभाव डीवी सेलेक्टेड स्टूडेंटों को भुगतना पड़े। नाक से धुआं निकाल कर फोटो खिंचवाना और पोस्टर में लगवाना, ये तो किस तरह की मानसिकता का निशानी है, ये आप भी जान सकते हैं। ये मेरे कल्लू भाई हैं जो खुद सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सोच लीजिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट के मेरिट के लिए होने वाले आंदोलन का नेतृत्व अनसेलेक्टेड कैंडिडेट करेंगे, कलवा गैंग करेगा। इसका क्या परिणाम आएगा जो आप लोग जान सकते हैं। इसीलिए जो भी आंदोलन में भाग लेने वाले साथी हैं, वो थोड़ा सावधान रहें। आगे देखिए, 23 मई आर या पार, आर या प्यार क्या है भाई? रिजल्ट लेना है कि वहाँ सीमा पे जाके गोली चलाना है? बताइए नहीं, आर या पार क्या होता है? आर पार कहाँ जाएंगे? यहाँ क्या दिया गया है, एनटीपीसी छात्र आंदोलन याद करो, बीएसएससी से न आप फरियाद करो, 23 मई आयोग चलो, आयोग चलो। इमोजी देखिए, इस तरह के गुस्सा में है जैसे किसी को खा जाएंगे। जैसे ये स्टूडेंट के मेरिट लिस्ट के लिए आंदोलन नहीं होने जा रहा है, कोई राजनीतिक आंदोलन होने जा रहा है। इस तरह के लोगों से आपको बच के रहना है। आई जो होने वाले आंदोलन है, इसमें संभल कर भाग लेना है, क्योंकि अगर इन लोग अनसेलेक्टेड कैंडिडेट जिन्हें हम फेलवा गैंग कहा करते हैं, ये कुछ भी गलत करेंगे तो उसका प्रभाव सभी लोगों पे पड़ेगा। इसीलिए आप लोग सभी ग्रेजुएट लोग हैं, इसमें भाग लेने के पहले इस तरह के लोग इसमें शामिल ना हो, ये सुनिश्चित करना जरूर कर लीजिएगा। और आगे देखिए क्या लिखा है, 23 मई को सभी लोग आयोग पहुँचिए और मेरिट लेकर ही वापस लौटना है, चाहे जो हो जाए। तो भाई, मेरिट को तो दुकान में मिलती नहीं है कि वो लेकर ही वापस लौटा जाए। आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका से की जाती है। तो इस आंदोलन में जितने भी साथी लोग भाग ले रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरिट के, जो मेरिट में है ही नहीं, उन्हें मेरिट निकलवाने के लिए लीडर कैसे बनाया जा सकता है? जबकि हमारे ग्रुप में, मैंने डीवी सिलेक्टेड ग्रुप में, एक पर एक टैलेंटेड लोग हैं। और नीचे देखिए, जब हम लोग को मेरिट लेना है तो इस तरह के पोस्टर की क्या आवश्यकता है? ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मुर्दाबाज मुर्दाबाज, क्या आयोग से हम लोग का कुछ झगड़ा करने जा रहे हैं? हम लोग का मेन मकसद है मेरिट लेना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीवी सेलेक्टेड हैं, इस तरह के उग्र आंदोलन करके
मेरिट को फंसाने का ये फेलवा गैंग के द्वारा प्रयास की जा रही है। इसमें सभी डीवी सेलेक्टेड स्टूडेंट को शामिल करने का एक साजिश किया जा रहा है। इसलिए आंदोलन में भाग लेने से पहले आप सोच समझ कर विचार करिएगा कि आप लोगों का करना क्या है। क्या इस तरह के लोगों के साथ आपको नेतृत्व चाहिए या मेरिट चाहिए, ये मैं आप सभी पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए लास्ट मोमेंट पर कोई भी गलत कदम न उठाएं और गलत लोग को अपने में शामिल न करें, जिससे भविष्य में हम सभी को पछताना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेलवा गैंग तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।